लो जी, होगी जर्नी स्टार्ट। ये जगह है हाजीपुर और सफ़र हाजीपुर से लखपत के लिए और लखपत से फिर नारायण सरोवर। ये है आज की जर्नी और मैं हूँ कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया। सुबह के 9 बजे का टाइम हो चुका है। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ लखपत फोर्ट देखने और यहीं पर वो फेमस जगह है जहाँ से बाउंड्री शुरू हो जाती है पाकिस्तान की। इस वक्त मैं उस फोर्ट के अंदर हूँ, सर पे पटका पहन करके आ गया। सॉरी बाबा जी, सॉरी, गुरुद्वारा साहब का ही पटका है जो सर पे बांध लिया था मैंने अंदर जाते हुए। कैप निकालने के लिए बोल दिया गया था तो निकाल दी थी। सो ये पूरी बाउंड्री वॉल है, ये गेट यहाँ पर और ये पूरी बाउंड्री वॉल, और इसके अंदर है ये जगह। एक टेम्पल है वहाँ पर, ये गुरुद्वारा साहब है। तो नागराय, भीमसर, ये दोनों तालाब इस तरफ हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए, ये किला जिसको आप लखपत फोर्ट कहते हैं अभी तक आबाद है, लोग रह रहे हैं और एक छोटा सा खोखा वाला शॉप भी है। ये सामने जो चबूतरा है, प्ले एरिया अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हिंदी में लिखा गया रमत गमत का मैदान, शानदार है। ये रास्ता जाता है पट्ठा पीर की दरगाह की तरफ। सामने आपको नजर भी आ रही होगी, पर हम अभी तो नहीं जा रहे हैं। मेरी इच्छा इस वॉल पे ऊपर चढ़ के देखने की। प्लेग्राउंड के थोड़ा सा आगे चल के लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दिख रहा है ये टेम्पल। तो ये आशापुरा माता का टेम्पल है। लखपत फोर्ट के अंदर आपको इस तरह के बहुत सारे टेम्पल, मस्जिद, गुरुद्वारा साहब सब देखने को मिलेंगे। सीढ़ियाँ चढ़ के हम जा रहे हैं ऊपर किले की दीवार तक। हो रहा है सनसेट। ये है दूर तक फैला हुआ रंग। तो इस तरफ से कैनन्स को यहाँ पर इस होल में रखा जाता था और दाग देते थे गोला, आ जाओ दुश्मन, आवाज तेज चल रही है। इस वक्त किले की दीवार के साथ साथ चल रहा हूँ जैसे यहाँ पर कभी सैनिक चला करते थे, बिल्कुल वैसे ही। ये जगह बनी है कोटी करने के लिए। ये वो होल है कोटी बाहर गिरती थी, देख रहे हो। मैंने उस वक्त भी बनाए जाते थे टॉयलेट। तो ये यहाँ पे अगर आप खड़े हो जाएंगे ना तो देखो बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, है ना, और बाहर वालों को भी कुछ नहीं दिखेगा। और जब आपने चोटी कर ली, सूसू कर लिया तो बाहर आ जाओ। तो टॉयलेट बनाए जाते थे, प्रॉपर टॉयलेट बनते थे। सही है, नई डिस्कवरी हो गई लखपत फोर्ट में, पोटी के लिए टॉयलेट बनाए जाते थे। बनेंगे ही ना यार। करते तो वो भी थे ना, कैनन स्टेशन पर गोल से कैनन बाहर झांकती थी और दुश्मन पे अटैक यहीं से किया जाता था। दीवार के इस तरफ की चौड़ाई इतनी रखी गई है कि एक घुड़सवार यहाँ पर से चल करके जा सकता है, सरपट घोड़ा दौड़ा भी सकता है, इतनी जगह रखी गई है यहाँ पर। सामने एक शेड बनाया गया, शायद आर्मी के लिए बनाया गया होगा या जिनको यहाँ बैठकर पहरा देना उनके लिए। तो किले के बाहर जाने के लिए जो जगह है वो सिर्फ उसी द्वार से है, आप बाहर निकल सकते हो। सामने देखिए कितना अच्छा सनसेट हो रहा है, लाल रंग लाल हो चुका है। और वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो है गुरुद्वारा साहब। उस गेट से हम अंदर आए थे और उसके अपोजिट
वाली मॉल में जो गेट है, इस वक्त उस गेट से हम बाहर निकलेंगे। यहाँ आकर के तो रास्ते एक तरह से ख़त्म सा हो गया है। यहाँ से होकर जाने वाले व्यापार से कर वसूल करने के लिए, इससे ज़्यादा इस किले का और कोई महत्व कहीं पर नहीं बताया गया है। आप गौर से देखेंगे अंदर पूरा खाली है, कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन नहीं है, और इस तरफ है तो दीवार, दीवार के अंदर बने टॉयलेट और इस तरह के कैनन स्टेशन, और ये दीवार के साथ जाने वाला चौड़ा लंबा रास्ता। कुछ ही देर में सनसेट हो जाएगा, हर तरफ होगा अंधेरा। मैं बढ़ रहा हूँ बाहर की तरफ ताकि बाहर जो खुला मैदान है वो आप देख सकें और उसके साथ आप इस फोर्ट की भव्यता को भी देख सकें बाहर के खुले इलाके से, खुली जगह से। तो ये हम जा रहे हैं किले के बाहर, इसे कहा जाता है भूतेश्वर नाकू। महादेव का टेंपल का रास्ता भी यहाँ पर है। सामने जो लाइट आपको दिख रहा है ना, वो भूतेश्वर महादेव टेंपल है। वाह, अभिषेक बच्चन है ना, अभिषेक बच्चन, हाँ, उसकी फिल्म वो मंदिर में शूट हुई थी। हाँ, वहाँ भी शूटिंग की थी अभिषेक बच्चन की, रिफ्यूजी फिल्म। हाँ, बात है, रोजी नई इन्फॉर्मेशन दी है हमें। के लिए लेकर आया है स्पेशल एपिसोड लखपत फोर्ट और लखपत में रहने का एक्सपीरियंस और साथ में बहुत सारी जानकारियां। इस तरह की और सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मेरी वेबसाइट विजिट करनी चाहिए, जिसमें ढेर सारी जानकारी होती है, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। वो है campingtravelindia.com, जो कि हिंदी के और इंग्लिश के साथ साथ बहुत सारी रीजनल और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ये गांधीधाम से है, तो बॉटल्स के डिस्पोजल के लिए वन स्टॉप का तरीका बता रहे हैं। क्या तरीका, पहले इसको आप क्या करोगे? पहले ढक्कन खोलूंगा, ढक्कन को क्रश करके बॉटल के अंदर डाल दूंगा। बॉटल को क्रश कर देंगे, बॉटल को क्रश करके क्रश कर देंगे। ये सही तरीका है। किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे आओ ना दोस्तों, गंदगी मत फैला के जाओ, बॉटल्स मत फेंक के जाओ। तो वेबसाइट का नाम क्या बताया आपको? campingtravelindia.com, जाके चेक जरूर करिएगा। इस वक्त आप देख रहे हैं लखपत फोर्ट और ये है रेगिस्तान डेजर्ट। रेगिस्तान है? हाँ, ये रेगिस्तान है। क्यों, तुम्हें नहीं लगता? तो यहाँ रहना क्या है? इसी के अंदर, फोर्ट के अंदर रहता है। कब से? ऐसे ही हमको पता ही नहीं, बचपन पता ही नहीं, बचपन रहता है ना। फोर्ट के अंदर स्कूल है? कौन सी क्लास तक? एक क्लास तक। अरे अच्छे तो, तो उसके बाद, उसके बाद क्या करोगे आप लोग? एट में थोड़ी ना, नहीं यहाँ पे दूसरी स्कूल है। हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, कुछ भी नहीं? तो यहाँ से शहर कितना दूर पड़ेगा फिर? कुछ जाना होगा और राशन लेके आना घर के लिए, सब उसी जगह से आना। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे? 200 घर है किले के अंदर, और आर्मी यहाँ पे होती है, सिक्योरिटी और इंस्पेक्शन सब करते हैं आगे, टाइम टाइम पे सर्च कि कहीं पे कोई बाहर से तो नहीं आगे रह गया। तो कभी पाकिस्तान से कोई आया इस तरफ? कोई नहीं, हमारी उम्र कोई नहीं, कोई नहीं आया। और ये रास्ता सीधा उधर ही जाता है? तो कभी कुछ ऐसा वैसा देखने को मिला? नहीं, देखने को पूरा
क्या हो जाता है? मतलब डायरेक्ट कॉल लगा देते। आप किसको फोन लगा देते हो? यस सर। अच्छा, उनके नंबर दे रखे हैं कि कुछ ऐसा वैसा देखो तो बता देना। जी अच्छा है ना, एक तरह से आप नजर रखते हैं। ये तो ऐसा हो गया देश की सुरक्षा में सहयोग। क्या हिंदी है? नहीं अच्छी हो गई। लगते तुम राजा जैसे हो, नाम फकीर है। रमजान कितना पायल सा नाम है यार एकदम। आपके क्या नाम है? अल्ताफ। अल्ताफ, और आपका? रही। रही। मैं नाम अमित है, ये वंश है, वो खुशहाल है और पीछे खुशहाल विशाल है। वो दोस्त है, ये भाई है, और वो दोनों भाई लगते नाम से। अच्छा लगा मिलके आप लोगों से यार। थैंक यू। यहाँ